सो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमारे यहाँ पर मौसम थोड़ा ठीक हुआ है। हमारे यहाँ बारिश आ नहीं रही है, लेकिन वो आप उधर देख रहे होंगे, उधर वहाँ पर मसूरी है और आई थिंक वहाँ से बारिश आ रही है। मतलब वहाँ पर बारिश हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ पर अभी बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, गर्मी से थोड़ा राहत है और काफ़ी टाइम बाद थोड़ा मौसम ऐसा हुआ है, अच्छी हवा आ रही है एकदम। आई होप बारिश भी आ जाए एंड प्लांट भी जो हैं वो भी एकदम खुश हो गए हैं। और मेरे जो है ये टमाटर के पौधे को, इसमें जो हैं फूल भी आने लगे हैं, दिख रहे हैं? हाँ, इसमें जो हैं फूल भी आने लगे हैं। और इसमें जो है स्टेकिंग की ज़रूरत पड़ गई है। स्टेकिंग मतलब होता है इसको डंडे से थोड़ा सहारा देने की। एंड मेरे जो हैं बैंगन के पेड़ भी बड़े हो गए हैं और पुदीना भी सही हो रहा है। और ये है मेरी करेले की बेल। एंड बस थोड़ी टाइम बारिश आ जाए तो प्लांट्स जो हैं वो खुश हो जाएं, बिकॉज दो तीन दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है एंड प्लांट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में हो रहे हैं बिकॉज इतनी गर्मी में। लेकिन देखो, मुझे लगता नहीं अभी बारिश आएगी आज, लेकिन हाँ काले बादल दिख रहे हैं। आई होप बारिश आ जाए, और आनी भी चाहिए यार, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इधर, बहुत ज़्यादा। एंड फाइनली मेरे हैंगिंग प्लांट्स भी जो हैं खुश हो चुके हैं। बारिश आए तो मैं इनको थोड़ा यहाँ से निकाल दूँ, क्योंकि इधर जो है यहाँ पर बारिश नहीं आती है, और इसलिए इन्हें मैं यहाँ से निकाल दूँगी ताकि अगर बारिश आए तो ये भी बारिश का मज़ा ले सकें। वो उस साइड जो है वहाँ पर बादल काफ़ी ज़्यादा काले हैं और आई थिंक वहाँ पर बारिश आ रही है। हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी बारिश का नामो निशान नहीं है। और अभी जो आपको ये प्लांट्स दिख रहे हैं, एक बार जब पूरी बारिश आ जाएगी तो ये जितने भी यहाँ पर प्लांट्स हैं, जितनी भी ये घास वगैरह है, जितने भी ये आपको ट्री दिख रहा होगा, ये जितने भी हैं ये बिल्कुल एकदम ऐसे ग्रीन हो जाते हैं जब बारिश आती है। और ये है हमारे यहाँ का आज का कुछ मौसम। और ये सारे काले बादल जो हैं वो हमारे घर के ऊपर से निकल के उधर जा रहे हैं। आप लोगों को दिख रहे हैं क्या बादल चलते हुए? मतलब बहुत सही लगता है। और यहाँ पर जितनी भी चील है वो इन बादलों में उड़ान भर रही है। आई थिंक वीडियो में दिख नहीं रहा है, बट वो बहुत ज़्यादा स्लो स्लो मूव कर रहे हैं। कोई गौर से देखेगा तो यस, उसे दिख जाएगा। एंड मैंने मोस्टली लगा दिए हैं सारे बैंगन के पेड़। मैंने क्या करा कि सारे शिमला मिर्च के पेड़ जो हैं वो निकाल के हटा दिए, बिकॉज आई थिंक वो सीड्स ही ख़राब थे, उसमें वायरस का अटैक हो रखा था। तो मुझे लगा कि जो मैंने पहले लगा रखा है वो ख़राब है, लेकिन नहीं, वो सारे ही ख़राब थे। ये फाइनली बारिश आ गई और मेरे पौधे जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं, और गर्मी से काफ़ी ज़्यादा राहत मिल गई है हमें भी और हमारे पौधों को भी। एंड मेरे प्लांट्स जो हैं वो इन्जॉय कर रहे हैं रेन। एंड ये बेचारे जो मेरे हैंगिंग प्लांट्स हैं ये ऐसे ही अभी खड़े हो रखे हैं। मैं इनको अभी निकाल दूँगी और इन्हें मैं थोड़ा बारिश में रख देती हूँ। वाओ, फाइनली आई एम सो हैप्पी कि बारिश आई, बिकॉज कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा गर्मी थी एंड प्लांट्स जो हैं, मतलब मैं क्या बताऊँ, वो इतने स्ट्रेस में थे। बट फाइनली अब बारिश आ गई है और हमें भी काफ़ी ज़्यादा राहत मिल गई है गर्मी से। और मैंने रख दिए हैं अपने सिर्फ दो हैंगिंग प्लांट्स, मैंने अभी बारिश में रखे हैं, बाकी के जो हैं वो सक्यूलेंट्स हैं, तो इसलिए मैंने उन्हें रखा नहीं है। एंड गाइस, हैप्पी रेनी डे। ओहो, यहाँ तो बारिश के साथ धूप भी आ रही है, देखो। पर चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी बारिश हो गई है वही काफी है। सो गाइज, आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड बारिश का मजा लीजिए एंड अपने प्लांट्स का ध्यान रखिए।